विधानसभा में भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर घोषणा के बाद दोनों ही पार्टी शक्ति विधानसभा क्षेत्र के अनेकों गांव में मतदाताओं के पास पहुंचकर अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं आज शक्ति नगर वार्ड क्रमांक 1 में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर खिलवान साहू के द्वारा सघन जनसंपर्क कर कमल छाप में अपना मतदान कर मोदी के हाथ मजबूत करने की अपील करते हुए वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 3 तक जनसंपर्क किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा सदस्य एवं वार्ड वासी उनके साथ मतदाताओं के संपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट मांगा। प्रत्याशी डॉक्टर खिलवान साहू ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में कहीं विकास नहीं दिख रहा है, नगर में गरीबों की आशवानी उजाड़ दी गई है जिसमें उनकी रोजी रोटी चल रही थी। प्रधानमंत्री आवास गरीबों को नहीं मिल रहा है। विधानसभा क्षेत्र में अवैध कारोबार, भ्रष्टाचार क्षेत्र में गुंडराज हो गया है। साहू ने कहा, मोदी ने हर गरीबों का ध्यान रखा है और लगातार अपने हिंदू संस्कृति को बचाने में जुटी हुई है। सभी मतदाता भाई बहनों से अपील करता हूं कि मोदी का हाथ मजबूत करे और देश को समृद्धशाली, ताकतवर बनाए। एक, दो और अभी 3 में हूँ। तो यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है कि लोगों को यहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है, जबकि यहाँ स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की सरकार है, राज्य में भी सरकार है दे रही है, केंद्र की मोदी सरकार, लेकिन इन लोग जो है उपलब्ध करा नहीं रहे। इसी तरह आवास की समस्या, आवास तो यहाँ आए हैं प्रधानमंत्री आवास, लेकिन यहाँ की छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार यहाँ के गरीबों को दे नहीं रही है। मैं वार्ड नंबर 3 पे पहुँचा हूँ जहाँ लगभग 200 घरों को जो है बेघर किया गया है, लोग परेशान हैं और बाहर से आने वाले जो है मार्केट के काम के लिए आते हैं दैनिक उपभोग के लिए सामग्री लेने, लेकिन यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि पूरा तहस नहस कर दिया गया है कांग्रेस के सरकार के द्वारा। यहाँ के स्थानीय विधायक चराट महंत के संरक्षण में सब घटना किया गया है और बड़े लोगों के लिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि अपने लोगों को जो है वो कॉम्प्लेक्स आवंटित कर सकें।